क्वेश्चन नंबर 20। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है और 10 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, फिर दोबारा 10 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, तो उसमें अब कितना दूध बचेगा। जो हमारे रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं जो आपको इनिशियल क्वांटिटी दी गई है वो आपका क्या होता है, प्योर होता है। मीन्स आपको इस क्वेश्चन में जो इनिशियल 400 लीटर दिया गया वो मिल्क है। सेकेंड टाइप बनती है जिसमें आपका जो इनिशियल दिया होता है वो आपका मिक्सचर होता है, दो या दो चीज़ों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो अभी हम वो करें जिसमें आपका क्या है, इनिशियल सॉल्यूशन जो है वो हमारा प्योर रहेगा। इसका बेसिक समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सजेशन बॉक्स में आपको वीडियो दिए हैं, हमने पहले किए थे सारे टाइप्स, तो वहाँ से आप बेसिक समझ सकते हैं। अभी हम डायरेक्ट करेंगे। तो जब आपका प्योर होता है तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला बनता है, मिल्क मिल्क प्लस में वाटर। मीन्स जो आपका यहाँ पे वो रहेगा जो आपका प्योर था स्टार्टिंग में, ठीक, उसके बाद जो चीज़ उसमें ऐड करी है, इक्वल टू होता है एक्स माइनस ए अपॉन में एक्स। एक्स यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी टोटल क्वांटिटी, जैसे इस क्वेश्चन में 400 लीटर है, और ए आपका क्या है, जो आपकी रिप्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे 10 लीटर की रिप्लेसमेंट हो रही है, तो ए और बी आपके पास यहाँ पे क्या है, 10 लीटर। अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में आपको गिवन है मिल्क मिल्क प्लस में वाटर, ये जो चीज़ होती है ये आपका फाइनल आता है कि भाई फाइनल जो आपके पास सॉल्यूशन आया है उसमें मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का रेशियो क्या है, ये हमारे पास फाइनल होता है। तो आप देखेंगे आपके पास टोटल था 400, और 400 में से आपने 10 निकाला, मीन्स इसको सॉल्व करा मैंने तो 1/40 मेरे पास होता है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद मीन्स 40 में से आपने एक निकाल दिया, तो आपके पास बचा कितना, 39 39 अपॉन में 40। सिमिलर सेकंड स्टेप में भी 1/40 होगा, यानी 40 में से आपने एक निकाल दिया यानी बच गया 39 अपॉन में 40। आप दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे मिल्क आ गया 1521, और मिल्क प्लस वाटर आ गया हमारे पास 1600, और इसने हमसे पूछा है कि मिल्क कितना का। तो आप देखेंगे आपके पास टोटल कितना है, 1600, लेकिन क्वेश्चन में टोटल कितना है, मतलब आपकी जो टोटल क्वांटिटी कितनी है वो 400 लीटर है। एक यूनिट फाइंड कर लिया आपने, यहाँ से आप मिल्क फाइंड कर लेंगे यानी 1521 यूनिट फाइंड कर लेंगे, तो आपके पास आ जाएगी 380.25 लीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। एक बर्तन में 20 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, अब उसके बाद उसमें 40 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, तो बताना है कितना दूध बचा। पहले वाला ही क्वेश्चन है, आपको जो स्टार्टिंग में सॉल्यूशन दिया गया वो क्या है, प्योर है, ओके। तो टोटल 200 था, 200 में से 20 निकाले यानी 1/180/200। आप 180/200 को सॉल्व करेंगे यानी 9/10। सिमिलर अगली बार 40 निकाला है यानी 160/200 यानी 8/10, 72/100 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास दोनों मिक्स यानी फाइनल सॉल्यूशन कितना आया, 100, लेकिन गिवन कितना था, 200 लीटर। तो 200 यूनिट आपकी जो बराबर 100 की, यहाँ से एक यूनिट फाइंड कर ली, और हमसे मिल्क पूछा था यानी 72 यूनिट फाइंड कर ली यानी 144 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23। एक बर्तन में 400 लीटर दूध है, हमने 20 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, फिर दोबारा 40 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, तो दूध और पानी का अनुपात बताना है। अब हमें हमें ये नहीं बताना है कि उसमें मिल्क कितना था, हमें ये बताना है कि रेशियो क्या है। तो यहाँ तक तो आप कर लेंगे, 400 था, 400 में से उसने 20 निकाल दिया यानी बच गया 1/20, यानी 20 में से एक निकाल दिया तो बचा 19/20। अगली बार 40 निकाला यानी 40/400 सॉल्व किया 1/10, यानी 10 में से एक निकाल लिया तो बच गया कितना, 9/10। तो ये आपके पास मिल्क आ गया, ये मिल्क प्लस में वाटर है, तो मिल्क तो 171 है और दोनों कितना है, 200 है, दोनों का डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, वाटर आ जाएगा यानी 29। नेक्स्ट 23। 23 जो है वो आपका सेम है,
400 लीटर दूध है, उसमें से 20 लीटर निकाला, उतना ही पानी डाल दिया, फिर 20 निकाला और उतना ही पानी डाल दिया, तो आपको मिल्क और वाटर का रेशियो बताना है। तो 19/20, इसको भी हमने सॉल्व किया था 23rd में, 19/20 इंटू में 19/20, क्योंकि दो बार आपका हुआ है रिप्लेसमेंट, तो आपके पास मिल्क और मिल्क प्लस वाटर का रेशियो आ गया। तो मिल्क है 361 और मिल्क प्लस वाटर है 400, तो वाटर कितना आ जाएगा 39, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 भी सिमिलर है, आपके पास जो इनिशियल है वो प्योर दे रखा है, 400 लीटर है, उसमें से 20 निकाला, फिर 40, फिर 60, और आपको फाइनल बताना है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। तो पहले निकाला 20, तो 20/100 सॉल्व किया 1/20, यानी 20 में से एक निकाला, बच गया 19/20। ओके, देन 40 लीटर, तो 40 लीटर यानी 1/10, 10 में से एक निकाला, बच गया 9/10। उसके बाद आपके पास 60 लीटर, 60/40 इन सॉल्व करोगे 3/20, यानी 20 में से तीन निकाला, बच गया 17/20। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये मिल्क आ जाएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कर लेंगे तो वो वाटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या गिवन है, सेम क्वेश्चन है कि 500 लीटर दूध में हमने 50 लीटर दूध निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर 100 लीटर मिश्रण निकाला, फिर पानी डाल दिया, फिर 180 125 लीटर मिश्रण निकाला, फिर उतना ही पानी डाल दिया। तो अब दूध और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो पहले आपने क्या किया, 50 निकाला, यानी 50/500, 1/10, 10 में से एक निकाल लिया, 9/10। आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ये चीज़ नहीं सॉल्व करनी है तो आप क्या करोगे, 500 और 500 माइनस में ए यानी आपका कितना 50। आप इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, अगली बार 100 निकाला है, 100/500 यानी 1/5, यानी 5 में से एक निकाला, बच गया 4/5। 125/500 यानी 1/4, 4 में से एक निकाला, बच गया 3/4। इसको सॉल्व कर लिया हमने तो हमारे पास आ गया 27/50। तो 27 हमारा मिल्क है, और दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, वाटर यानी 23। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में आपको क्या दे रखा है, एक बर्तन में शुद्ध दूध है, इसमें 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी डाल दिया, यह प्रक्रिया दो बार करी गई है, तो दूध और पानी का अनुपात 64:17 है। तो आपको ये बताना है कि आपका इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क क्या थी। ठीक है, वही क्वेश्चन है, लेकिन अब आपको इनिशियल नहीं दिया गया, अब हमें इनिशियल को फाइंड करना है, तो फाइंड करते हैं। आपका फॉर्मूला वही रहेगा, तो मिल्क और वाटर का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें दे रखा है 64:17। ठीक, तो मिल्क 64 और मिल्क प्लस वाटर कितना हो जाएगा 81। एक्स हमें नहीं पता, टोटल क्वांटिटी हमें नहीं पता, एक्स में से 5 निकाला गया, एक बार और एक्स में से 5 निकाला गया, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 और 9 का होल स्केयर, और एक्स माइनस 5 अपॉन में एक्स का होल स्केयर। इसको एक्स स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास एक्स आ जाएगा 45 लीटर, यानी हमारी जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क थी वो कितना था, 45 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 सेम है, बहुत इजीली से आप कर सकते हो। एक बर्तन में शुद्ध दूध है, 12 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी डाल दिया, यह प्रक्रिया को हमने 3 बार दोहराया, तो इन फाइनल जो हमारे पास 16:65 मिल्क और वाटर का रेशियो है, तो आपको ये बताना है कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। तो 16 हमारा मिल्क, मिल्क प्लस वाटर कितना हो जाएगा 81, दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, 16 और 81, और ये आपने देखो 4 बार प्रक्रिया की है, 3 बार बाद में और एक बार पहले आपको दे रखी है, टोटल कितनी बार हुई है, 4 टाइम्स हुई, यानी एक्स माइनस में 12 अपॉन में एक्स कितनी बार, 4 बार, ये 2 की 4 होता है और ये 3 की 4। ठीक है, तो यहाँ से वो कैंसिल हो जाएगी 4 से 4, तो 2 की 2/3 बराबर हो जाएगा एक्स माइनस 12 अपॉन में एक्स के, और यहाँ से आप एक्स सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 36 लीटर।
क्वेश्चन नंबर 28। एक बर्तन में ओटो और एंटो का मिश्रण है जिसमें ओटो की मात्रा कुल मिश्रण का 16% है। हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल कर उसमें एंटो मिला दिया उतना ही। यह प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई है। बची हुई ओटो की मात्रा मिश्रण की कुल मात्रा का 9% है। यदि कुल मिश्रण 8 लीटर हो तो बताइए कि कितनी मात्रा निकाली गई थी। अब आपको जो इनिशियल दे रखा है वो मिक्सचर है, ठीक है, हमने प्योर वाले कर लिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये भी दे रखा है, जब आपके पास जो इनिशियल दे रखा है वो हमारे पास मिक्सचर है, ओके। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एक चीज़ ऐड करनी है, सारा फॉर्मूला वही रहेगा। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ O2 मीन्स जिससे रिप्लेसमेंट नहीं की जा रही है, N2 से रिप्लेस करें ना, मिश्रण निकाल रहा है और N2 डाल रहा है, यानी जो बचा हुआ चीज़ है O2, यहाँ पे आएगा इनिशियल क्वांटिटी ऑफ O2। ये आपके पास वही फाइनल रहेगा, इनिशियल जो आपको गिवन होगा और ये आपको पता ही है। तो देखिए आपको लास्ट में दे रखा है कि मिश्रण की कुल मात्रा का 9% है O2, तो O2 हमारा 9 है, तो दोनों कितने होंगे 100 होंगे, ठीक है। और इनिशियल हमें दे रखा है 16/100, 16% है। और आपका टोटल जो मिश्रण है वो 8 लीटर का है, उसमें से आपने ए निकाला है, हमें नहीं पता कि ए क्या है, ए हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 16 यहाँ पर आ गया, और 8 - a/8 का स्केयर हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो 3/4 का स्केयर, और ये आपके पास स्केयर से स्केयर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपने ए निकाल लिया और आपके पास ए आ जाएगा 2 लीटर, यानी जो आपने रिप्लेसमेंट किया, यानी जो क्वांटिटी से रिप्लेस किया वो कितनी थी, 2 लीटर थी। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन आपके NICLAO में 2017 में आया हुआ है। सोना चांदी और प्लेटिनम के 2 मिश्रण हैं। पहले मिश्रण में 40% आपका प्लेटिनम है, दूसरे में 26%। दोनों मिश्रण में सोने की मात्रा समान है। यदि पहले मिश्रण के 150 किलोग्राम दूसरे मिश्रण के 250 किलोग्राम के साथ मिला दिया जाता है, तो अब जो नया मिश्रण बना है उसमें 30% सोना है, तो आपको ये बताना है कि मिश्रण में कितना प्लेटिनम है। तो पहले मिश्रण में 40% प्लेटिनम है, हमने मान लिया x प्रतिशत गोल्ड है। दूसरे में 26% सिल्वर है और x प्रतिशत हमने गोल्ड मान लिया, क्योंकि दोनों में जो गोल्ड है वो समान मात्रा में है। पहले मिश्रण में हम देखते हैं, पहला मिश्रण आपका कितना है, 150 किलोग्राम का, उसमें 40% प्लेटिनम है, यानी कितना प्लेटिनम आ गया, 60 kg। अब देखते हैं दोनों मिश्रण को जब मिलाया गया, यानी 150 का x प्रतिशत प्लस में 250 का x प्रतिशत बराबर किसके आ जाएगा, 4x की, जब सॉल्व करेंगे। और आपको दे रखा है कि आपका जो टोटल है, यानी जो इनिशियल में तो आपको नहीं गिवन है, लेकिन लास्ट में आपको गिवन है कि नए मिश्रण में जो सोना है वो कितना है, 30% है, और नया मिश्रण कितना हो जाएगा, 150 जमा में 250 यानी 400 का। तो 400 का 30% हम निकालेंगे, यानी उसमें कितना सोना है, 120, और वो बराबर किसके हो जाएगा आपके, 4x के, यहाँ से x निकल गया कितना, 30, ओके। तो अब हम देखते हैं कि सेकेंड जो हमारा मिश्रण है उसमें प्लेटिनम कितना है। तो सेकेंड जो आपका वो था 250 का, उसमें से 100 में से आपने निकाले 26% आपकी चांदी और 30% आपका गोल्ड निकल गया। तो यहाँ से आपके पास 25% यानी प्लेटिनम है 110 किलोग्राम, और पहले निकला था 60, तो दोनों मिला के कितना हो गया, 170। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी में है, 2 अलग अलग बर्तन में विभिन्न सांद्रता के मिश्रण हैं, ए से 6 लीटर और बी से 3 लीटर। हमने दोनों से समान मात्रा निकालकर एक दूसरे में डाल दिया। अब इनकी सांद्रता बराबर हो गई है, तो आपको ये बताना है कि कितने लीटर मात्रा निकाली गई थी। तो देखिए पहले 6 लीटर हमने मान लिया एसिड है और ये 3 लीटर वाटर है, इसमें से एक्स निकाला और इसमें मिला दिया, इसका x निकाल के इसमें मिला दिया। अब आपको बताना है वो जो x है वो कितना था, ठीक है। तो जब आप इसमें से x निकालेंगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना बच जाएगा, 6 - x बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें आपने x मिला दिया यानी एसिड मिला दी, यानी यहाँ पे कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड कितना हो जाएगा, x, क्योंकि पहले तो इसमें क्या था, वाटर था, ठीक है।
तो 6 यूनिट बराबर हो जाएगी यहाँ पे आपके एक्स के। हम 3 में देख लेते हैं कि 3 में हमारा कितना रहेगा, तो 3 में कितना रहेगा, 2x, ठीक है। तो 6 माइनस में एक्स में कितना हो गया, बराबर 2x की हो गया। यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया एक्स के लिए, तो एक्स आपके पास आ जाएगा 2 लीटर। क्वेश्चन नंबर 31, दो अलग अलग बर्तनों में विभिन्न सांद्रता के मिश्रण है, ए में 8 लीटर, बी में 6 लीटर। हमने पहले में से 2x निकाल कर दूसरे में एक्स लीटर की मात्रा निकाली और अब एक दूसरे में डाल दी। अब बतानी है कि सांद्रता बराबर है तो एक्स का मान कितना होगा, ठीक है। तो पहले में 8 लीटर था, दूसरे में 6 लीटर था, इसमें से मैंने 2x निकाल लिया यानी अब बच गया 8 माइनस में 2x। इसमें से मैंने x निकाल लिया यानी बच गया 6 माइनस में x, ओके ये हो गया, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या करा है, इसका x मिला दिया तो ये बन गया 8 माइनस में x। अब इसमें मैंने क्या किया, इसका 2x मिला दिया यानी ये हो गया 6 प्लस में x, और ये दोनों ही क्या दे रखे आपको, बराबर दे रखे, तो यहाँ से आपका x आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1 के। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 बहुत सिंपल सा है। दो बर्तन हैं जिसमें दूध और पानी का अनुपात 2 और 3 है और 5 और 4 है, और दोनों को एक तीसरे बर्तन में डाला जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि दोनों बर्तन समान मात्रा के, तो यानी आपको क्या करना है, जो इनका रेशियो दे रखा है उसको इक्वल करना है, ओके। तो ये सम करोगे 5 और यहाँ पे सम किया 9, तो इक्वल बनाने के लिए आप इसको 9 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास सम आ गया, सेम आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बेसिक हमने की है अपनी, जो हमने जहाँ पे बेसिक समझे थे जब स्टार्ट किया था, मिक्सचर के जितने भी टाइप्स होते हैं वहाँ पे हमने इन चीज़ों को समझा, तो अभी मैं डायरेक्ट ही करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, 33 में मुझे स्टेटमेंट में कुछ डाउट है या आंसर में कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिन स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के बारे में पता है कि ये ठीक है या गलत है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को ऐड कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है और दोनों की क्षमता का अनुपात 1 और 2 है। पहले बर्तन में पूरे तथा दूसरे बर्तन में आधे मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाल दिया जाता है, तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना सिंपल है, वही इक्वल बना के आपको और दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, 3 बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 2:1:1:5:5:7 है, तो तीनों बर्तन को एक चौथे बर्तन में डाला जा रहा है, तो नए बर्तन में दूध और पानी का अनुपात बताइए। सम कर दिया 3, 6 और 12, तो जैसे ही आपने देखा कि आपका जो सोल्यूशन है वो सेम नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसको सेम बनाओगे। सेम बनाने के लिए हमने क्या करा है, हम इसको 12 बना सकते थे तीनों को, तो इसको 4 से, इसको 2 से और इसको 1 से, तो आपके पास ये आ गया। आप देखो सबका सम कितना है, सेम है 12 12 12, और आप इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास मिल्क और वाटर का रेशियो आ जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 सेम है, दूध और पानी का अनुपात दे रखा 3:1:4:3:5:2 और तीनों की क्षमता जो है वो 6:4:3 है, तीनों को एक चौथे बर्तन में डाला जाता है, तो चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जो बर्तन की क्षमता है, बर्तन की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट है, एक की 4 है, 6 है, एक की 4 है और एक की 3 है। तो पहला काम तो आपको क्या है, मिक्सचर को सेम करना, उनका सम क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के बाद जो उनका रेशियो था बर्तन का, उस रेशियो में हम उसको बना लेंगे। तो 3:1:4:3 और 5:2 यानी 4:7 और 7, तो सेम बनाने के लिए हमने इसको 7 से, 4 4 से मल्टीप्लाई किया यानी आपके पास आ गया 21:7:16:12:20 और 8, ओके। अब आपका पहला जो है वो 6 का है, दूसरा 4 का है और तीसरा 3 का है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे और दोनों का मिल्क का और वाटर का सम कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 भी सिमिलर है। दूध और
पानी का अनुपात दे रखा है 1 2 3 2 7 3 1 1, उनकी जो क्षमता है वो 1 2 3 और 4 है, और उनको एक पांचवे बर्तन में पलटा जाता है, तो पांचवे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो पहले तो आप मिल्क वाटर का सम करोगे तो 3 5 10 2 आया, इसको हम क्या बना सकते हैं, 20 बना सकते हैं। सिमिलर करना है, कुछ भी किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसको क्या करना है, सेम करना है। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 10 20 18 12 21 9 15 और 15। अब आपके जो बर्तन का रेशियो है वो 1 2 3 4 था, तो 1 2 3 और 4 से हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये आ गया, और ये आपके पास फाइनली आ गया कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है, 3 बर्तन जिनकी क्षमताएं 3 2 1 है और जो पूरी तरह से दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, तीनों बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5 2 4 1 और 4 1 है, तो नए मिश्रण में पानी की परसेंटेज क्या होगी, जबकि 1/3 पहले से, दूसरे से 1/2, 1/7 तीसरे से निकाल कर एक दूसरे बर्तन में मिलाया जाता है। ओके, तो पहला काम आपका सेम करना। ओके, 5 2 4 1 4 1 है, सम किया 4 5 और 5 आया, तो 5 और 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास आ गया। ओके, उसके बाद आपका काम क्या है, उनकी जो कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग बनाना। तो कैपेसिटी थी 3 2 1। ओके, तो यहाँ से मिल्क और वाटर का नया रेशियो आ गया मल्टीप्लाई करके। अब इसमें से क्या किया है, नया मिश्रण तैयार किया है, इसका लिया 1/3 यानी 10, इसका लिया 1/2 यानी 7, इसका लिया 1/7 यानी 1, टोटल वाटर कितना हो गया 18 जो इसने लिया है, और टोटल वाटर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 75, और परसेंटेज में पूछा तो इंटू में 100, तो यहाँ पे आ जाएगा पानी कितना था, 24%। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, 3 बर्तनों में कुछ दूध है, पहले में 1/3 निकाल कर दूसरे में डाल दिया गया, दूसरे से 1/4 निकाल कर तीसरे में, और तीसरे से 1/10 निकाल कर पहले में, जब तीनों में 9 9 9 लीटर दूध बच जाता है, तो आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में बर्तनों में कितना कितना दूध था। ओके, तो पहले से 1/3 यानी 3 था, 1 निकाल लिया तो बच कितना गया, 2/3, ठीक है। दूसरे से 1/4 निकाल कर तीसरे में डाल दिया यानी 1/4, यानी 4 में से 1 निकाल दिया बच गया 3/4। ओके, तीसरे से 1/10 निकाल कर पहले में डाल दिया गया 1/10 यानी 10 में से 1 निकाल दिया और वो पहले में डाल दिया, तो ये आपके पास आ गए। और सब में कितना है, 9 9 9 है, तो सी में क्या हो जाएगा, देखो 9 9 9 27 हो जाएगा, यानी दोनों बर्तनों का ए और बी का अगर मैं निकाल दूँ तो सी का उसमें से माइनस कर दूंगी, ठीक है, टोटल में से यानी 27 में से, तो वो सी का आ जाएगा, तो ये बराबर हो जाएंगे 9 9 के। तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे कि आपके पास ए कितना आएगा 12, बी आ जाएगा 8 और सी आपके पास आ जाएगा 7 लीटर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर जो 40 है वो सेम है, आप ट्राई करना, अगर आपसे नहीं निकलता तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को ऐड कर दूंगी। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन नंबर 40 एंड क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में मुझे क्वेश्चन में डाउट है या इसके आंसर में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।